All right, guys, so let's start with a 1.5 days के strategy. So क्या क्या अपने को पढ़ना है? अपने को पढ़ना है theory, अपने को पढ़नी है बहुत सारे practical questions, अपने को करना है case studies and अपने को करना है case study digest. अब इसमें से कुछ कुछ चीज़ें मैं eliminate करते जा रहा हूँ. सबसे पहली चीज़ जो मैं eliminate कर रहा हूँ वो है case studies. Case studies पे unnecessarily ज़्यादा time देना ही मत, in fact time ही मत देना. Because क्या होता है पता है क्या? Case studies is basically application of theory. तो अगर आपका theory बराबर हो गया होगा then in that case study will not bother you. अगर आप last दो attempt के case studies लो ना, question number 1, तो question number 1 was supply chain management. अब अगर आपको supply chain management का theory बराबर से आता है तो उसका अलग से case study करने का ज़रूरत नहीं है, उसी का application है and you can easily manage that. Same way उसके बाद आया था business excellence model, तो same business excellence model भी आपको अलग से as such करने की ज़रूरत नहीं है, you can easily apply your mind and आप बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल का केस स्टडी भी कर पाओगे. सो केस स्टडीज के ऊपर टाइम मत डालो. अगर आपके पास टाइम है, जैसे अगर आपका खाली ग्रुप 2 बाकी था और आपने कॉस्टिंग 4-5 दिन पहले स्टार्ट कर दिया, देन इन दैट केस यू कैन डू द केस स्टडी. बट इफ इट इज जस्ट 1.5 डेज लेफ्ट, देन इन दैट केस स्टडी को लास्ट प्रायोरिटी रखो. बट येस, थियोरी एकदम प्रॉपरली करना है, बिकॉज एंड ऑफ द डे एप्लीकेशन ऑफ थियोरी इज वॉट इज केस स्टडी. सो केस स्टडी का टेंशन नहीं लेंगे, थियोरी एकदम अच्छी तरह से कर लेंगे. टिप नंबर 1. ओके, सेकेंड पॉइंट है कि ICAI इस बार का SCMPE का पेपर, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा अपने ही मटेरियल से निकालेगा. मॉड्यूल है उसके पास है RTP, उसके पास है MTP. MTP में एज इट इज क्वेश्चंस या तो मॉड्यूल के RTP का है, तो MTP को तो साइड पे रख देते हैं अपन. तो एक है मॉड्यूल, एक है RTP और एक है केस स्टडी डाइजेस्ट और कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने ऑलमोस्ट अपने मॉड्यूल में ले लिए, तो उसको भी फिलहाल के लिए साइड पे रखते हैं. तो अपना फोकस होना चाहिए किसके ऊपर? ICAI मॉड्यूल में जितना कवर हुआ है ना, वो एकदम परफेक्टली कर लो. केस स्टडी डाइजेस्ट में मेजरली जो केस स्टडीज है ना, उसका थियोरिटिकल एस्पेक्ट तो अपन वैसे भी अपने रिविजन वीडियोज के थ्रू कर लेंगे, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. बचे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. अगर आपके पास मैजिक बुक है तो उसमें से जो मेजर वाले प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट पुल पूछ सकता है या जो मास्टर क्वेश्चंस है, वो मैंने वैसे भी मैजिक बुक में ले लिया, तो मैजिक बुक का पूरा प्रैक्टिकल पार्ट कर दो तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड मास्टर सम्स हो जाएंगे, तो अपने को वो भी टेंशन नहीं है. सेकेंड जो एस्पेक्ट है ना इसका, वो है केस स्टडी डाइजेस्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. उसके लिए क्या किया है मैंने, एक वीडियो बनाया था आज से 2-2.5 मंथ्स पहले, जहाँ पे मैंने आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी आप लोग के साथ डिस्कस किया था, वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी दे रहा हूँ. उसमें से जो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है ना केस स्टडी डाइजेस्ट के भी, वो मैंने पुट अप कर दिए, प्लस उसके वीडियोस भी है, सो यू कैन वॉच आउट दैट. वो नहीं करना है तो भी केस स्टडी डाइजेस्ट में जो लिमिटेड अपने प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस है उतना कर लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. केस स्टडी डाइजेस्ट के जो केस स्टडीज है वो थ्योरी से कवर हो जाएगी, सो आई होप वो भी आप लोग का टेंशन क्लियर हो जाएगा, राइट? चलो, अब एक चीज अपने को जो बॉदर करता है वो है कि सर क्या हम लोग ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या? सर थ्योरी याद नहीं हो रहा है. मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, यस, आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो. इंस्टीट्यूट को खाली है ना टिपिकल वर्ड्स चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है, देन इन दैट केस वो जो स्टैंडर्ड्स है, अचीवेबिलिटी है, ओनरशिप है, रिवॉर्ड्स है, वो सब जो उसके टिपिकल वर्ड्स है वो तो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करेगा ना. सो दैट्स नॉट रॉन्ग. एज अ एग्जामिनर मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछा है तो उसके जो टिपिकल वर्ड्स है वो उसको दे दो, बाकी अपनी ओन लैंग्वेज में लिखो. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, इवन इन केस स्टडी ओरिएंटेड टाइप क्वेश्चंस. सो प्लीज़ उस चीज़ के लिए एकदम रिलैक्स हो जाओ, अंडरस्टैंड कर लो थियोरी एंड अपने हिसाब से अप्लाई करके आओ, कोई टेंशन नहीं है. सर एग्जाम्पल हम लोग खुद के लिख सकते हैं? डेफिनेटली. अगर आपको लग रहा है कोई थियोरी एस्पेक्ट है जिसका आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से आता है, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, वो भी कोई टेंशन नहीं है. एग्जामिनर इनफैक्ट विल बी मोर देन हैप्पी. चलो एक एप्लीकेशन भी करके आया है स्टूडेंट उस चीज़ का. सो प्लीज़ टेंशन मत लेना कि सर थियोरी याद नहीं हो रहा है, वो नहीं होगा और वो बहुत ज़्यादा याद रखने की अपने को जरूरत फ्रेंकली स्पीकिंग है भी नहीं. आई होप वी आर क्लियर. सो थियोरी वाली एस्पेक्ट प्लीज डोंट लेट दैट स्पॉइल योर पेपर. अब आ जाते हैं अपन लोग चैप्टर टू चैप्टर थियोरी. तो मेन अभी मैं आपको सिर्फ एक बात लास्ट वापस से बता देता हूँ, 100 मार्क्स पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है. अभी जो है वो सिर्फ इंस्टीट्यूट की चीज़ों के ऊपर ही ध्यान देंगे, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जितना आता है उसको बराबर से करके जाएंगे. और अब जो 1.5 डेज में अपने को रिविजन कर रहे हैं हर एक चैप्टर वाइज, लेट्स स्टार्ट विद दैट. अच्छा, और एक चीज़, जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, मेजर कॉन्सेप्ट, वो सब का मैंने है ना चाय विद कॉस्टिंग के रिलेटेड पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया है. लास्ट आई थिंक 15-20 डेज में आप लोग ने देखा होगा,
प्लीज़ उसको भी रिवाइज कर लेना। एंड वो चाहिए ना, तो वन एंड हाफ डेज की मतलब जो लास्ट का अपना डे होता है ना मॉर्निंग, जब एग्जाम है अपना वो वाला मॉर्निंग, वो टाइम पे रिवाइज करना चाहिए विद कॉस्टिंग, तो क्या फटाफट जितने भी कॉन्सेप्ट है ना एक बार सब आप लोग के रिकलेक्ट हो जाएंगे। एंड या फिर आप सो रहे हो तभी आप रिवाइज कर सकते हो, या खाना वाना खा रहे हो ऐसे टाइम के ऊपर रिवाइज कर सकते हो। 10-10 मिनट के कॉन्सेप्ट है और मेजर कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में फुल ऑन एक्सपेक्टेड है, तो 10 मिनट मेजर कॉन्सेप्ट वो भी अपना निपट जाएगा। चलो अभी अपन लोग आते हैं वन एंड हाफ डेज की स्ट्रैटेजी के ऊपर। देखो एक भी चैप्टर एंड ऑप्शन में नहीं छोड़ेंगे, सिस्टमैटिकली करेंगे ना आराम से सब हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। मेरे हिसाब से अपन स्टार्ट करेंगे दो चैप्टर्स के साथ। सो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन जब आप लॉ का पेपर देकर आओगे उस दिन पे आई एम अज्यूमिंग के अराउंड 6:30 के आसपास आप अपना स्टडी स्टार्ट कर दोगे। सो ऑन दैट डे आपको करना चाहिए दो चैप्टर, वन विल बी ट्रांसफर प्राइजिंग एंड द अदर विल बी बजटरी कंट्रोल। एक है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, एक है थियोरी ओरिएंटेड। तो चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 11 एकदम स्मूथली हो जाएगा। अगर इन टर्म्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन में देना चाहूँ तो मैं दूंगा अराउंड 2.5 to 3 hours ट्रांसफर प्राइजिंग को एंड अराउंड 1.5 hours में दूंगा बजटरी कंट्रोल को। तो अराउंड 6:30 लेट में लेट भी अपन अगर स्टार्ट करते हैं देन इन दैट केस 12 o'clock तक, तो 6:30 to probably 10 o'clock तक अपन ट्रांसफर प्राइजिंग करेंगे, वील हैव आर डिनर एंड देन फॉर 2 hours वी विल डू बजटरी कंट्रोल। देखो इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, ऐसा लगेगा आपको और थोड़ा कर लेते हैं और थोड़ा कर लेते हैं, बट देन देयर इज नो लिमिट, ठीक है। ये ट्रांसफर प्राइसिंग को एक टाइम था जब अपने को 10 दिन भी लगा है, ये ट्रांसफर प्राइसिंग अपन ने 2 दिन में भी किया है, अब यही ट्रांसफर प्राइसिंग 2 घंटे में करने की टाइम भी आ गई है। सो ऑन दैट डे ऑफ लॉ एग्जामिनेशन अपन करेंगे चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर अराउंड 3 hours एंड देन वी विल गो टू बजटरी कंट्रोल जो अपन करेंगे अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2 hours के लिए एंड देन वी विल गो फॉर अ स्लीप। चलो भाई अब गुड नाइट एंड 5 hours के स्लीप के साथ। देखो मैं बहुत ज़्यादा स्लीप भी नहीं दे रहा हूँ, 5 hours इज सफिशियंट। 5 hours इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज अपने को है ना आफ्टरनून में आफ्टर लंच भी 1 hour का स्लीप करना है, तो टोटल 6 hours हो जाएगा, विल बी फ्रेश। एंड प्लीज़ 5 hours का स्लीप लेना बिकॉज अपने को पूरा दिन खींचना है एंड मेजॉरिटी चैप्टर्स अभी अपने को कवर करना है, सो 5 hours ऑफ अ स्लीप इज अ मस्ट। नाउ पे अटेंशन, अब गुड मॉर्निंग हो जाएगी आपकी एंड यू विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8 द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड यू कैन से द मोस्ट लेंदी है, थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है काफी कुछ है उसमें, राइट। सो वी विल अलॉट अप्रोक्सीमेटली 3 hours। सो मैं सोच रहा हूँ 12 to 5 वी विल हैव अ स्लीप, 5 to 5:30 वी विल गेट अप गेट फ्रेश एंड एवरीथिंग, 5:30 अपन स्टार्ट करेंगे एंड 5:30 to 8:30 वी विल डिवोट टू आर चैप्टर नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हल्के में नहीं लेंगे एंड वी हैव टू एंश्योर कि अपन उसको फुल अटेंशन दे रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 8 के बाद अपन करेंगे चैप्टर नंबर 3। सो चैप्टर नंबर 8 कर लेना, उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता कर लेना एंड देन यू विल हॉप ऑन टू चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के लिए भी अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 hours एंड देन इमीजिएटली चैप्टर नंबर 3 के बाद आना चैप्टर नंबर 1 कर लेना। सो बिफोर लंच, लंच के पहले ध्यान से सुनो, आप लंच अप्रॉक्सीमेटली 1:30 to 2 o'clock कर सकते हो। लंच के पहले आपका चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 1, छोटू सा चैप्टर है फटाफट हो जाएगा, खाली आपको YouTube पे रिवीजन लेक्चर देखना है चैप्टर नंबर 1 का और कुछ भी मत देखना तो भी चलबे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रॉक्सीमेटली समझ लो 25 to 35 marks का वेटेज दोनों में से आने वाला है, सो प्लीज डोंट टेक देम लाइटली। इसके लिए मैं उसको मॉर्निंग का स्लॉट दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8 को अराउंड अपन लोग 3.5 hours का स्लॉट देंगे, चैप्टर नंबर 3 को अराउंड अपन 2.5 to 3 hours का स्लॉट देंगे एंड देन हार्डली 1 hour में चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा। सो बाय लंच अपना टारगेट विल बी चैप्टर 8, चैप्टर 3, चैप्टर 1 डन। ऑलरेडी लास्ट टाइम अपन लोग ने चैप्टर 9 और 11 कर लिया तो 5 chapters out of 11 chapters मतलब 50% पोर्शन डन। अब अपन लोग शांति से अपना लंच कर सकते हैं, नॉट मोर देन 15 to 20 minutes अपन लंच के लिए देंगे एंड देन इमीजिएटली वी विल गो टू स्लीप। सो अराउंड 2:30 to 3:30 वी विल स्लीप, 2 to 2:30 वी विल हैव आवर लंच, 2 o'clock तक 8, 3 और 1 हो जाना चाहिए। सो आई होप वी आर क्लियर। 3:30 वी विल वेक अप एंड स्टार्ट, सी द बूम। सो 2:30 to 3:30 अपना स्लीप है, 3:30 स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर्स। ओके सो अब आफ्टरनून नैप के बाद अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, 4 और 7। अगर आप लोग नोट कर रहे हो ना तो मैं 2, 2, 3, 3 chapters का क्लस्टर लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, एक साथ बर्डन मत ले लो, टेक 8 chapter by chapter। सो पहला अपन लोग ने फेज में लिया चैप्टर 9 एंड 11, सेकेंड फेज में वी टुक द चैप्टर्स 3, 8 एंड 1। अब अपन लोग जो फेज में चैप्टर ले रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 2 इज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट,
मिक्स है थियोरी और प्रैक्टिकल का, सो उसको अराउंड देंगे अपन लोग 2.5 to 3 hours. देन वी हैव चैप्टर नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर नंबर 4 में बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इंस्टीट्यूट उसमें से 10-15 मार्क बॉस पूछता ही पूछता है. सो दैट इज ऑल्सो आ प्रायोरिटी. एंड उसके बाद अपन करेंगे चैप्टर नंबर 7, प्राइसिंग डिसीजन. प्राइसिंग डिसीजन तो मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरा जो थियोरी रिविजन लेक्चर है उतना देख लो, बहुत हो जाएगा. एकदम सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन कर लिया एंड सब हो गया. एक सम उसमें से खाली करना है तो मैजिक बुक में वो एक इंस्टीट्यूट का अंबर लिमिटेड का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो कर लो. उसमें सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज कवर हो जाएंगे, फिर आपको उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो नेक्स्ट फेज आफ्टर आर स्लीप ऑफ लंच इज सपोज 3:30 to approximately 7:30, 8 o'clock तक. थोड़ा यहाँ पे टाइट स्केड्यूल रहेगा, बट वी विल हैव टू मैनेज इट. चैप्टर नंबर 7 तो बस अपने को एक घंटा रिवीजन लेक्चर देखना है और बस टाटा बाय बाय. चैप्टर नंबर 2 and 4 पे थोड़ा फोकस करना है, तो मैं उसको देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 2.5 hours. सो 3:30 to 9 o'clock में ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए. 9 to 9:30 यू विल हैव योर डिनर. सो 9 to 9:30 में आप लोग आपका डिनर लेंगे. एंड डिनर के बाद अपने बचेंगे खाली 3 chapters, विच इज चैप्टर 6, 10 and 12. चैप्टर नंबर 10 उसके बाद डिनर के बाद इमीडिएटली आना, थोड़ा भी नींद आना चालू हो जाएगा. तो आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10. चैप्टर नंबर 10 बहुत इजी है. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम में ना ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ जो उसका थियोरी पार्ट है वो रिविजन लेक्चर में देख लेना. बाकी जो उसके सम्स है ना वो इतने ईजी है कि हाफ एन आवर में उसके सारे सम्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे. और उससे रिलेटेड कोई भी सम आया ना तो ऑटोमेटिकली भी आप एग्जाम टाइम पे उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. इसके लिए मैं चैप्टर 10 पे ज्यादा फोकस कर ही नहीं रहा हूँ. डिनर के बाद जो एक हाफ एन आवर का टाइम अपना स्लैक टाइम रहता है, दैट इज व्हाट यू कैन पुट अप. सो बाय 10:10:15 चैप्टर नंबर 10 भी आपका हो जाना चाहिए. अब बचते हैं आपके 2 chapters. एक है चैप्टर नंबर 12 विच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एंड फिर है चैप्टर नंबर 6 विच इज डिसीजन मेकिंग. तो आओ उनकी स्ट्रैटेजी समझते हैं. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, 3:30 टू अराउंड 9:30 में वी हैव टू कंप्लीट चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 2 इज मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट. उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है और गेन शेयरिंग अरेंजमेंट और वो सब में से आ भी सकता है ये बार क्वेश्चन. सो लेट्स डू दैट प्रॉपरली. अराउंड 2 to 2.5 to 3 hours उसको स्लॉट देंगे अपन. फिर अगेन चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये बार एक्सपेक्टेड है क्योंकि उसमें थोड़े चेंजेस थे. सो उसके लिए अपन लोग देंगे अराउंड 2.5 to 3 hours. एंड जो चैप्टर नंबर 7 है वो चिल्लर पिल्लर चैप्टर है, प्राइसिंग डिसीजन फटाफट हो जाएगा. एक अंबर लिमिटेड वाला सम कर लेंगे, रिविजन लेक्चर देख लेंगे एंड विल बी थ्रू. सो आई होप वो आपका 3:30 to 9:30 वाला स्लॉट एकदम सॉर्टेड है. 9:30 to 10:15 तक में मैंने बोला आपको आपका डिनर एंड चैप्टर नंबर 10 हो जाना चाहिए. चैप्टर नंबर 10 खाना खाते खाते चाहिए तो सुन लेना. एंड चैप्टर नंबर 10 के जो सम्स है वो बहुत ईजी है, फ्रेंकली स्पीकिंग लेंदी है बट है बहुत ईजी. तो 10:15 मैक्सिमम तक वी आर सॉर्टेड एंड खाली अब 2 chapters बचे हैं, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 12. चलो आओ उनका स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट फेज बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस. 10:30 to 1:30 अपने को करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये बार मार्केट साइज, मार्केट शेयर, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस. यूट्यूब पे मेरा रिवीजन लेक्चर्स देख लेना, एवरी एस्पेक्ट मैंने कवर किया है उसमें. सो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, उससे सब फॉर्मूलाज रिकवर हो जाएगा, आपको रिकैप हो जाएगा. प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस के मैंने बहुत सारे पॉइंट्स सब कवर कर लिए उसमें. जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कुछ इंस्टीट्यूट थ्योरी पूछ सकता है वो भी कर लिया है. मार्केट साइज, मार्केट शेयर, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो एक्सपेक्टेड है वो भी मैंने कवर कर लिया है. सो माय सजेशन 10:30 to 12:30, 1 o'clock आपको नींद आने वाला है ना, वो टाइम पे प्लीज मेरा रिविजन लेक्चर सुन लेना, एकदम स्मूथली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सेट हो जाएगा. और उसके बाद में जो आपको लग रहा है आपके लिए मास्टर सम्स इंपॉर्टेंट है, ICI में बहुत ज्यादा कोई वैरायटी है नहीं सम्स का, फ्रेंकली स्पीकिंग, इन रिलेटेड टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. सो अगर आपके पास मॉड्यूल है आप वो पढ़ सकते हो, आपके पास मैजिक बुक है सबसे बेस्ट, फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके प्रैक्टिकल सम्स कर लो क्योंकि थ्योरी आप लास्ट 2-2.5 hours में सुन चुके हो. सो कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला सब आप लोगों को हो चुका है, अभी सेट हो चुका है. नाउ यू जस्ट वांट टू रिवाइज. एक आपको बोलता है ना मस्ती करते करते स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सम सॉल्व करने हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड या मैजिक बुक है उसमें से कर लो, मॉड्यूल है उसमें से कर लो, आपके पास आपकी कोई दूसरी ऑथर बुक है उसमें से कर लो, कोई टेंशन नहीं है, बट कीप इट वेरी लाइट. सो अराउंड 12:30 to 2 o'clock मैक्स 2 o'clock तक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट, एंड देन आप आराम से सो सकते हो. मैं सोने का टाइम दूंगा अगेन 5 hours का. सो 2 to 7 इज वॉट यू विल स्लीप. 7 to 7:30 में फटाफट फ्रेशन अप हो जाओ. 7:30 to 9:30 का टाइम अपन देंगे चैप्टर नंबर 6 डिसीजन मेकिंग को.
चैप्टर नंबर सिक्स डिसीजन मेकिंग एज सच तो बहुत वास्ट है, बट बहुत ज्यादा उसमें से ये बार एक्सपेक्टेशंस नहीं है. आएगा तो एक नॉन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा, वो थ्योरी मैंने चाय विद कॉस्टिंग में पढ़ाई दिया है, 10 मिनट में पूरा वो सुन लेना. उसके अलावा जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है वो भी अगेन मैंने रिविजन लेक्चर्स में डाल दिए, तो खाली कॉन्सेप्ट पढ़ लेना. सम्स एक खाली ओवरव्यू कर लेना, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्वेश्चन आया तो मेक और बाय के ऊपर क्वेश्चन आएगा और वो कुछ अलग ही क्वेश्चन आएगा, सो यू कैन मैनेज इट. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आप खुद से मैनेज कर पाओगे, टेंशन नहीं है. सो बॉस 7:30 to 9:30, 10 o'clock मैक्सिमम तक वी आर डन विद द होल, बोलते हैं ना, सिलेबस ऑफ कॉस्टिंग. और क्या चाहिए, अब बस टेक डीप ब्रेथ्स, एंजॉय करो सेशंस को, मजे करो और फिर चाय विद कॉस्टिंग देखो. फिर बाद में वो जो 10:30 to 12:30, 1 o'clock तक जो आपका सब चलने वाला है, यू नो जस्ट एंजॉय, कीप वॉचिंग दोज 10-10, 15-15 minutes क्लिप. आपको सब चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, एक बार बुक को गो थ्रू करो, काम हो जाओ अभी एकदम. मतलब बोलते हैं ना, नाउ इट इज़ ऑल अ गेम ऑफ हाउ वेल यू आर विद योर माइंड. जितना आप काम और कंपोज रहोगे ना उतना ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा. एंड देन फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो पेपर इतना अच्छा जाएगा ना, बता रहा हूँ. एंड देन फिर बाद में ये जगह पे आओगे ना आप लोग मेरे साथ, मैं और आप अपना पिकनिक ऑर्गेनाइज करेंगे यहाँ पे. बॉस ये इंडिया है, आप बिलीव नहीं करोगे ये इंडिया है, बट फिलहाल आप कॉस्टिंग के ऊपर ध्यान दो. चलेंगे ना इधर, मैंने आपको हमेशा वादा किया है कि अपन एग्जाम के बाद चलने वाले तो चलने वाले. बस आप जैसा मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया ना, प्लीज़ उसको फॉलो करो एंड आई एम श्योर वी विल क्रैक इट with the best marks. Time to say hasta la vista. I hope strategy clear हो गया होगा. एक quick मैं recap दे देता हूँ, क्या आपको करना है. 100 marks attempt करना है at any given cost. You have to stay calm. अभी जो भी है ICAI में से ही exam paper बनने वाला है, ये बात बहुत बहुत clear कर लो अपने दिमाग में. So we are very sure that this is where the whole paper is going to come from. चाय विद कॉस्टिंग सुनते रहना एकदम लास्ट के आपके 2 to 3 hours में. रिवीजन लेक्चर्स हर चैप्टर के देख लेना, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े. ऑलरेडी आपको खाली लेक्चर सुन के सिर्फ ग्रास्प करना है. अपने ओन लैंग्वेज में आप पेपर लिख सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है, ऐसे मार्क्स देगा. खाली टेक्निकल वर्ड्स को थोड़ा ध्यान में रखना है एंड देन वी आर थ्रू. चलो भाई, टाइम टू से हास्ता ला विस्ता. आप लोग से ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ इस पेपर के लिए एंड आई एम श्योर यू आर एक्साइटेड एज वेल. बॉस फोड़ कर आएंगे ये बार, एग्जामिशन पक्का है, आप लोग ने प्रॉमिस किया है. इन द एग्जामिशन मंत्रा एग्जामिशन लाके दिखाएंगे. स्टे फोकस, स्टे कॉन्फिडेंस, पेपर 100 मार्क्स लिखकर आना ही आना है. अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, अच्छा लिखकर आएंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे. थैंक यू सो मच.